डिफरेंशिएशन चैप्टर टू है हमारे पास सेकंड ईयर का। हम डेरिवेटिव सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आज हमने करना है। इसके ऊपर हमारे पास अंडर रूट में वैल्यूज आ रही हैं। स्टार्ट करते हैं हम इसको। वाई इक्वल्स टू, हम इस अंडर रूट को पूरी वैल्यू के ऊपर लिख लेते हैं। 1 + x / 1 - x है, तो हम इसको पूरे के ऊपर अंडर रूट लगा लेते हैं। और ये हमारे पास क्या बन जाता है, 1 + x / 1 - x का होल 1/2, ये वैल्यू हो जाती है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। डी वाई बाय डी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पर लिखेंगे। डी ओवर डी ऑफ एक्स, ये फंक्शन लिखना है हमने, 1 + x / 1 - x का होल 1/2। जब भी हमारे पास पावर में वैल्यू आ रही हो तो हमने वो स्टार्ट में लिख देना होता है 1/2। यहाँ पे आ जाएगा 1 + x / 1 - x होल 1/2 है, और इसमें से -1 लेस कर देते हैं डॉट। अब डेरिवेटिव लेना है जो उसके अंदर वाला फंक्शन है, डी ओवर डी ऑफ एक्स 1 + x / 1 - x। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे। जब भी ओवर वाला फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव लेने के लिए हमें क्वोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ता है। क्वोशेंट रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये 1/2 एज इट इज होगा, इनको सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पास बन जाएगा 1 + x, इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा -1/2 / 1 - x -1/2। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन रूल क्या है हमारे पास, कि जो ओवर में वैल्यू है उसका होल स्क्वेयर आ जाएगा। एक दफा ये टर्म एज इट इज लिखनी है, 1 - x एज इट इज। डेरिवेटिव लेंगे दूसरे फंक्शन का, डी ओवर डी ऑफ एक्स 1 + x माइनस, अब हमें ये फंक्शन एज इट इज लिखना होगा और डेरिवेटिव लेना होगा 1 - x का। इसको हम सोल्व करते हैं, 1/2 1 + x -1/2 ओवर 1 - x -1/2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 - x का होल स्क्वेयर 1 - x, इसका डेरिवेटिव लेंगे। वन टर्म हमारे पास कांस्टेंट है, ये जीरो बन जाएगा और एक्स का यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे, एक्स की डेरिवेटिव 1 माइनस ये 1 + x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये जीरो बन जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, तो साइन आएगा साथ -1 का। 1/2 1 + x का होल -1/2 ओवर 1 - x -1/2। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करके और फिर इसको, ये मल्टीप्लाई होके 1 - x एज इट इज रहेगा, ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा +1 और +x ओवर 1 - x का होल स्क्वेयर। अब ये -x है, +x से कैंसिल, 1/2 1 + x -1/2 ओवर 1 - x -1/2। यहाँ पे बन जाएगा 2, 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 - x का होल स्क्वायर, ये 2 से कैंसिल। अब हमारे पास ये फंक्शन है, ये नेगेटिव में आ रहा है, इसको हम नीचे ले आए तो ये बन जाएगा 1 + x का अंडर रूट, ये माइनस में था नीचे आके प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स को हम ऐड कर लेंगे, 1 - x है -1/2 और +2, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 ओवर अंडर रूट 1 + x। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाता है 1 - x / 3/2। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, हम इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। हमारे पास ओवर में वैल्यू आ रही है तो हम इसका क्वेश्चन रूल अप्लाई करना होगा। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, फंक्शन को लेट कर लेते हैं कि वाई के इक्वल है ये 2x - 1 ओवर अंडर रूट x² + 1। हमें इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो डी वाई बाय डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू डी ओवर डी ऑफ एक्स, फंक्शन लिखते हैं 2x - 1 है ओवर x² + 1 का होल अंडर रूट। हमें क्या अप्लाई करना है इस पर, क्वोशेंट रूल। क्वोशेंट रूल कैसे हम अप्लाई करते हैं, जो नीचे वाला फंक्शन है उसका हमने लेना होता है x² + 1 होल का स्क्वेयर लेना होता है। अब ये फंक्शन एक बार हम यहाँ पे लिखेंगे x² + 1 एज इट इज, और डेरिवेटिव लेंगे ऊपर वाली वैल्यू का, डी ओवर डी ऑफ एक्स 2x - 1। सही है, हमने पहले ये वाली फंक्शन लिखा जो नीचे वाली वैल्यू थी उसका स्क्वेयर ले लिया, फिर उसको एक बार एज इट इज लिखा, फिर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, माइनस साइन आएगा। इसका डेरिवेटिव लिया था, अब वैसे ही लिख देंगे इसको 2x - 1, और डेरिवेटिव लेंगे इस वैल्यू का, डी ओवर डी ऑफ एक्स √x² + 1। इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। अभी क्वेश्चन रूल अप्लाई हुआ, अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, ये आ जाएगा
एक्स स्क्वेयर प्लस वन डॉट, इसके डेरिवेटिव लेते हैं, 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 और 1 का जो है कॉन्स्टेंट टर्म है तो 0 बन जाएगा, माइनस 2x माइनस 1 डेरिवेटिव। जब भी हमारे पास पावर में वैल्यू आ रही हो तो वो उस पावर स्टार्ट में आ जाती है, इस वैल्यू का जो पावर होती है उसमें से 1 लेस कर लेते हैं और डेरिवेटिव अगेन होता है जो इसके अंदर वाला फंक्शन होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स से हमने करना है, तो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव भी लेना होगा, ओवर ये सबके नीचे आ रही है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर। अभी हमारे पास बन जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 1 बाय 2, यह आ जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस 1, इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो बन जाएगा 1 माइनस 1 बाय 2 और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन आ रहा है तो हम इसको ओवर में ले जाते हैं ताकि ये प्लस बन जाए एक्स स्क्वेयर प्लस 1, तो 1 बाय 2 था हमने अंडर रूट डाल दिया और यहाँ पर आ जाएगा जस्ट x ओवर ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर, इक्वल साइन आ जाएगा यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, इन दोनों के एलसीएम ले लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और ये इससे मल्टीप्लाई होकर तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1 की पावर में x ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर। ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये कट गया, ये रहा यहाँ पे रह जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 के बाय x आ जाएगा ओवर ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इन सबको आपस में प्लस माइनस करेंगे और ये टर्म नीचे आ जाएगी इसका, ये बन जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वेयर, x से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस और x आ जाएगा। ये वैल्यू ये वैल्यू नीचे चली जाएगी ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का अंडर रूट और ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पर रह जाएगा ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये इससे कट जाएगा 2 प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1।